स्टूडेंट की परीक्षाएं ना होने के कारण अब छात्र जो है सड़कों पर उतर आए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के छात्र जबलपुर पहुंचे हैं और वह इस समय एक रैली निकालकर विरोध जता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के राजीव गांधी चौक पर और ये तमाम जिलों से आए हुए छात्र जो है यहाँ से रैली निकाल कर जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं। जिला प्रशासन को वह एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उनकी परीक्षाएं बीते 3 सालों से लंबित है उनको सरकार जो है जल्द कराए ताकि वह नौकरी कर सके, उन्हें जो अस्पताल हैं सरकारी नौकरी में जो है वह शामिल हो सके, परीक्षाएं दे सके। लेकिन आपको हम बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे थे निजी नर्सिंग कॉलेज उनके खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें कई कॉलेज जो है गैर मान्यता प्राप्त है। ऐसे में उन कॉलेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं और तभी से मामला जो है हाईकोर्ट में लंबित है और इसी वजह से जो परीक्षाएं हैं वह नहीं हो सकी हैं। ऐसे में अब छात्र जो है जनरल प्रमोशन देने की मांग भी सरकार से कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए और क्या मांग है आपकी? बताइए कहाँ से आए आप लोग? जबलपुर। क्या मांग है आपकी? हमारी एग्जाम नहीं हो रही, हमारी कब से नहीं हो रही, 3 साल से। क्या बोल रही है सरकार? सरकार कोई रिजल्ट ही नहीं, तारीख पे तारीख दे रही है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसी से हम निराश होकर आज ये बताइए आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, कहाँ से आए और कहाँ तक जाएंगे? सर हम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, हम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग ना जी पा रहे ना मर पा रहे सर, बाहर से आए, अदर स्टेट से आए, यही सब करने के लिए सर। बिहार से आए हैं सर, बिहार से। बताइए, बिहार से हम लोग आए सर, 2 साल से यहाँ पे अटके हुए हैं, अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ का सरकार अब कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सोए हुए सरकार यहाँ के सोए। आपको पता है नर्सिंग कॉलेजों का मामला हाईकोर्ट पर पेंडिंग है, हाईकोर्ट में लंबे थे क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिनको मान्यता नहीं थी, फिर भी वो आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि हाईकोर्ट का जब आदेश है रोक लगी हुई है और उसके बाद आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर तो रोक तो सर रोक लगे तो क्यों लिया गया था एडमिशन? कहाँ था एमपी गवर्नमेंट, कहाँ था वो छुपकर? एडमिशन नहीं लेना चाहिए था सर, उस लोग का एडमिशन क्यों नहीं ले? जब पता था कि जब ये ऐसा मामला है तो लेना ही नहीं चाहिए था एडमिशन। अच्छा, बताइए जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो आप पता नहीं करते कि मान्यता है या नहीं है? सर तो हम लोग अदर स्टेट से ना बता, टीचर भी तो बताएं या फिर वो सरकार भी। भाई आप देश का भविष्य कहलाते हो, सर भविष्य कैसे कहला रहे हैं सर? देख रहे इतने सारे लोग का भविष्य भी तो ये नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती की हम मान्यता उनको मान्यता दी गई है कि नहीं, पर आप ये बताइए कि वो भी तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती की वो हमें बताए कि मान्यता है कि नहीं। अब 4 साल से 4 बैच रुक रहे हैं, 4 साल से 4 बैच रुक रहे हैं, तो आप ये सोचिए ना सर कि कितना लॉस हो रहा है। हम लोग किराए से रह रहे हैं, हम लोगों की बहुत समस्याएं हैं सर। और ना चाहे तो आप लोग चाहे तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि जनरल प्रमोशन हो और परीक्षाएं समय पर हो और सभी के रिजल्ट घोषित किए जाए, यही चाहते हैं हमारी, यही समझ। एडमिशन लेने आए थे क्या बोला था कॉलेज वालों ने? हम जब एडमिशन लेने आए थे तो कॉलेज वालों ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे हमें कोई दिक्कत आए कि बाद में हमें कोई दिक्कत आएगी कि नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मैटर था ही नहीं। तब बिल्कुल सब कुछ आधारित था, सब कुछ अच्छा था। अब बीच में अगर ये हुआ है तो लेकिन जो छात्र है उनका कहना है कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था उस वक्त उन्हें ये नहीं बताया गया था कि कॉलेज के पास मान्यता है या नहीं है, सरकार ने उन्हें मान्यता दी भी है कि नहीं दी है, यही वजह है कि अब जो है 3 सालों से छात्र अपनी परीक्षाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। ना तो इसका जवाब सरकार दे रही है और ना ही इसका जवाब कॉलेज प्रबंधन दे रहा है, यही वजह है कि अब छात्र जो है जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें जनरल प्रमोशन सरकार नहीं देगी तो वह इसी तरीके से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।